हेलो फ्रेंड्स, आपका यही ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर टॉप 10 क्वेश्चन आंसर, जो राजनीति, खेल, आर्थिक, पुरस्कार, सम्मान, सामाजिक सभी क्षेत्रों से संबंधित होगा। ये इसका दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट का वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, हाल ही में देश के कौन मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ ली। ऑप्शन नंबर ए है रंजन गोगोई, बी है शरद अरविंद बोबड़े, सी है एच जे कानिया, डी है एचएल दत्तू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े जो भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली, ये 47वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और 46वें जो थे वो रंजन गोगोई थे। ठीक है, और पहले जो थे वो एच जे कानिया थे। ये जो पहले थे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की संक्षेप में की गई है, तो 124 से लेकर के 147 तक जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक है, और 124 एक में ये कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस जो है 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, इस पॉइंट को जो है अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर ए है पीयूष गोयल, बी है अश्विनी लोहानी, सी है बीके यादव, डी है आरके शर्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीके यादव। ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं विनोद कुमार यादव। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले जो है अश्विनी लोहानी थे। और रेल मंत्री कौन है भारत के? तो ये पीयूष गोयल जो है ये रेल मंत्री हैं भारत के। और कभी कभी पूछ देता है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री तो कौन थे? तो हो जाएगा आपका जॉन मथाई। ठीक है, कौन हो जाएगा? जॉन मथाई। इतना पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसे 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अरुण जेटली मरणोपरांत, बी है सुषमा स्वराज मरणोपरांत, सी है अनिरुद्ध जगन्नाथ, डी है इनमें से सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से जो है सभी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और ये अनिरुद्ध जगन्नाथ जो हैं ये मॉरिशस के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, 2020 में जो है 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जगन्नाथ, अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं और जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं इनको भी मरणोपरांत ही मिला है। ये बिहार लोक सेवा से संबंधित हैं। मैरी काम है जो मणिपुर खेल से संबंधित है। छन्नूलाल जो हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ये कला के क्षेत्र से हैं। और विश्वेश तीर्थ स्वामी जी हैं जो ये अध्यात्म से जो है संबंधित हैं। ठीक है, भारत सरकार का ये पद्म विभूषण जो है ये भारत सरकार का जो है दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है और इसे जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1954 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कोची, बी है चंडीगढ़, सी है नई दिल्ली, डी है विशाखापट्टनम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये 2021 का जो शिखर सम्मेलन होगा ये इसका 14वां संस्करण होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। ठीक है, 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। और इसका जो वर्तमान सदस्य कितने हैं कुल? तो 194 वर्तमान सदस्य है, जिनमें भारत भी शामिल है। और अगर पूछे विश्व स्वास्थ्य संगठन में का भारत में जो है कहाँ पे इसका मुख्यालय है, तो ये दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, भारत में पूछे तो दिल्ली में हो जाएगा और विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूछे तो वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है ओडिशा, डी है पश्चिम बंगाल। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, योगी सरकार ने अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का जो है शुभारंभ किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूलमंत्र के तहत जो है कार्य कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न होगा, 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मारियाना वर्दिनायसिन, बी है मोरिसाना कायट, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उपरोक्त दोनों को, मारियाना वर्दिनायसिन को और मोरिसाना कायट को। ठीक है, ये जो है गिनियन की हैं, ठीक है, ये गिनियन की हैं और ये जो है ग्रीस की हैं। ठीक है, इन दोनों को जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार शांति पुरस्कार को इन दोनों को जो है दिया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस रूप में मनाने का जो है घोषणा की है। ठीक है, 18 जुलाई को उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो है पूरे विश्व में नेल्सन मंडेला डे के रूप में जो है मनाया जाएगा। इस पॉइंट को जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न होगा, आईसीसी ने हाल ही में T20 विश्व कप को कब तक स्थगित करने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर ए है 2022 तक, बी है 2021 तक, सी है 2023 तक, डी है 2025 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2022 तक। कोरोना के चलते जो है इस साल जो है विश्व कप T20 विश्व कप नहीं होगा, इसे जो है 2022 तक जो है स्थगित कर लिया गया है। और इसमें और सारे पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिएगा। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। और T20 का पहला टूर्नामेंट कब खेला गया था? तो जो है 2007 में खेला गया था। ठीक है, वर्तमान में इसके जो है 16 टीम सदस्य हैं, जिसमें से 10 जो है सदस्य टीम हैं और 6 अन्य हैं। ठीक है, यह विश्व कप जो है 2 साल पर इसका जो है आयोजन होता है। ठीक है, और ये जो पहला मैच था उसको जो है भारत ने दक्षिण अफ्रीका में जो है पाकिस्तान को हरा करके जीता था। इन सभी पॉइंट्स को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर ए है त्रिची रेलवे स्टेशन, बी है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिची रेलवे स्टेशन को जो है गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। और ये त्रिची रेलवे स्टेशन जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका वर्तमान जो है नाम है तिरुची कापल्ली। ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम था त्रिची और वर्तमान में तिरुची कापल्ली है। ठीक है, जो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इस शहर के बीचों बीच से जो है कावेरी नदी निकलती है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जो है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न है, गूगल के सीईओ ने भारत में कितनी रकम निवेश करने का ऐलान किया है? ऑप्शन नंबर ए है 2 अरब डॉलर, बी है 10 अरब डॉलर, सी है 5 अरब डॉलर, डी है 1 अरब डॉलर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर इसे हम रुपए में काउंट करें तो 75,000 करोड़ रुपए के ये ऐलान गूगल के अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने किया है। वो इस 10 अरब डॉलर के निवेश अगले 5 से 7 वर्षों में करेंगे। ठीक है, ये घोषणा उन्होंने सालाना गूगल फॉर इंडिया डिबेट के दौरान की थी। इस बार यह जो है कार्यक्रम डिजिटल तरीके से होगा। ये निवेश जो है निम्न 4 क्षेत्रों में होगा। ठीक है, निम्न 4 क्षेत्र में होगा। जो ये 4 क्षेत्र होंगे, भारतीय भाषा में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, नए प्रोडक्ट बनाने और सर्विस शुरू करने के लिए, और तीसरा है बिजनेस को डिजिटल सहयोग देने में, और चौथा होगा जो है हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चरल जैसे क्षेत्रों के लिए तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करना। ठीक है, इन्हीं 4 क्षेत्रों में जो है सुंदर पिचाई ने जो है 10 अरब डॉलर, ठीक है, 10 अरब डॉलर 75,000 करोड़ रुपए का भारत में निवेश करने का जो है घोषणा किया है। ठीक है, सुंदर पिचाई और मोदी से बातचीत भी हुई है। इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है सुंदर पिचाई का जो है भव्य स्वागत किया है। इस बात को लेकर के जो है उन्होंने स्वागत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का 10वां और अंतिम प्रश्न होगा, भारत ने टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर सहित
59 चीनी ऐप पर किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन नंबर ए है आईटी एक्ट 2020, बी है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सी है आईपीसी, डी है फॉरेन ट्रेड एक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आईटी एक्ट 2000 के तहत। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैन लगाया है इसको। ठीक है, आईटी का फुल फॉर्म होता है जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईटी मिनिस्ट्री मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है सेक्शन जो है इसमें किस सेक्शन के तहत लगाया गया है? तो ये 69A के तहत। ठीक है, 69A के तहत जो है इन सभी पर बैन लगाया गया है। इसमें ये कहा जाता है कि जब दो देशों में कोई मतलब युद्ध होता है या कोई विवाद होता है तो खुफिया सूत्रों को बचाने के लिए अपने देश की जो किसी तथ्य को छुपाने के लिए जो है अपने अपने देश की सरकार जो है ऐसी व्यवस्थाएं करती हैं। इनमें ये प्रावधान है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को जो है खतरा होने पर जो है सरकार किसी डेटा ऐप या जो है और किसी भी संसाधन को जो है ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 के तहत जो है इस पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे आपके टॉप 10 प्रश्न। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।